नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है सीएसएस के ट्यूटोरियल में। और डे 10 है ये। डे 1 से लेकर डे 9 तक की वीडियो ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज एक बार देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं और फुल स्टैक डेवलपर की हमारी ये यात्रा है, जिसमें आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे, यानी वेब एप्लीकेशन को या मोबाइल ऐप को आप डेवलप करना सीख जाएंगे कम्प्लीटली प्रोजेक्ट के साथ। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जो सीएसएस है हमारी, उसमें जो लेआउट होता है उसकी पोजीशन पर हम चर्चा करेंगे, पोजीशन की प्रॉपर्टी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को क्लियरली नहीं आता है। तो इससे रिलेटेड इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो करेंगे सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे एलिमेंट की पोजीशन को आप वेब पेज पर सेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं लेआउट को और उसके बिहेवियर को, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोजीशंस होती हैं, तो उनके लिए सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर को एचटीएमएल का नोट डाउन कर लिया है और इसी के अंदर हम अपना जो एक्शन है उसको परफॉर्म करने वाले हैं कैंडिडेट। तो यहाँ पर पोजीशन की अगर मैं बात करें तो मैं यहाँ पर कमेंट सबसे पहले लिख देता हूँ। कमेंट लगाने के लिए देखिए, कमेंट लगाने के लिए जब आप विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करते हैं तो कंट्रोल के साथ फॉर्मेट जो स्लैश होता है, जब आप उसको लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली एक कमेंट आपको दे देता है। तो यहाँ पर एक जो अगर हम बात करें तो पोजीशन प्रॉपर्टी में 5 टाइप की वैल्यूज आती है। पहली होती है स्टेटिक, और सेकेंड होती है आपकी रिलेटिव, देन आपकी वैल्यू होती है फिक्स, देन आपकी वैल्यू होती है एब्सोल्यूट, और लास्ट जो वैल्यू होती है वो होती है स्टिकी, ठीक है। तो यहाँ पर सारी जो प्रॉपर्टीज की वैल्यूज हैं इन पर हम चर्चा करेंगे। और स्टैटिक को मैं आपको बता देता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डिफॉल्ट ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टैटिक प्रॉपर्टी को। स्टैटिक प्रॉपर्टी को हम कैसे देखेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बॉडी में क्या करता हूँ, एक डिप को बनाता हूँ, ठीक है। डिप, और डिप के अंदर हम जो है एक इमेज लगाते हैं, तो IMG और स्पेस देंगे और SRC में उसका लिंक दे देंगे। तो मेरे पास एक इमेज अवेलेबल है photo.jpg, मैं उसको लगाता हूँ और यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे ही आप देखेंगे इमेज आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर ये इमेज मेरी डिस्प्ले होके आ गई है। अब मैं इसकी थोड़ी सी जो है स्टाइलिंग लिख देता हूँ, यानी इनलाइन सीएसएस लिख देता हूँ इसकी हाइट और विड्थ को सेट करने के लिए। स्टाइल में मैं आप इसकी विड्थ देता हूँ 40%, और इसकी हाइट जो है बाय डिफॉल्ट करेक्ट आ रही है, बट मैं इसकी एक प्रॉपर्टी और अप्लाई करता हूँ बॉर्डर। तो बॉर्डर यहाँ पर देता हूँ मैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बॉर्डर अप्लाई किया, अब ये जो हमारी इमेज है ये क्या हो गई है, ये एक बॉर्डर के अंदर आ गई है, और ये इसकी जो विड्थ है वो है 40%। सेकेंड, इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ इसी डिप के अंदर। तो पी टैग को ओपन करेंगे और पी को क्लोज करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप एवरी लाइन को समझेंगे। तो दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो हो सकता है लंबी हो, बट आपको बहुत मजा आएगा, आप हर चीज को इजीली समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर पी के अंदर एक मैं पैराग्राफ को नोट डाउन कर देते हैं। यहाँ पे मैं पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट किया तो आपके देख पा रहे हैं कि जो पैराग्राफ है वो इसके नीचे आ गया है, और यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ को मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि ये काफी बड़ा हमें कंटेंट चाहिए। तो देखिए ये हमारे पास आ गया है पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर हम जो है आप देख पाएंगे कि ये हमारी इमेज हमने लगाई है और उसके नीचे जो है हमारा एक पैराग्राफ आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो पोजीशनिंग प्रॉपर्टी की अब हम बात कर रहे हैं, तो पोजीशनिंग प्रॉपर्टी की जो बात कर रहे हैं उसमें से हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को चलेंगे और देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जब हमको सीएसएस लिखना होता है, आपको पता है कि आप स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं, तो हम स्टाइल में आएंगे और यहाँ पर कमेंट में लिख देंगे। कमेंट के लिए आपको बाई डिफॉल्ट अगर आप बीएस कोड यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल के साथ आप फॉरवर्ड जो स्लैश होता है उसका यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कमेंट जिसके अंदर भी आप यूज कर रहे हैं, देखिए ऊपर हमने यूज की थी यही कमेंट, तो यहाँ पर ये HTML की कमेंट आ गई थी, बट जैसे हमने स्टाइल टैग के अंदर यूज किया तो यहाँ पर आपकी सीएसएस की कमेंट के सिंबल्स आ गए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले क्या यूज करेंगे, तो स्टेटिक, ठीक है। तो स्टेटिक और ये होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये होती है बाय डिफॉल्ट, और बाय डिफॉल्ट में हमने इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो हमको इमेज पर अप्लाई करनी है ये, ठीक है। इमेज क्योंकि हम टैग सेलेक्टर का यूज करेंगे तो हम टैग सेलेक्टर के लिए IMG लिखेंगे, और कर्ली ब्रेसेस को ओपन, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज। आपको सेलेक्टर्स और
ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी हैं, डे वन से लेके डे नाइन तक की वीडियोस में सब चीजें कवर हैं, उसी का हम नेक्स्ट वर्जन को अप्लाई कर रहे हैं। तो प्लीज अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो देख लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो यहाँ पर देखिए, पोजीशन एक जो है प्रॉपर्टी होती है, और पोजीशंस में हम क्या देंगे, स्टैटिक देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है। स्टैटिक जब भी हम कोई इमेज को लगाते हैं वो स्टैटिक इमेज होती है, या फिर हम किसी भी चीज की प्रॉपर्टी, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है। ठीक है, अब जब हम स्टैटिक पोजीशन का यूज करते हैं, तो अगर हमको लेफ्ट से जो है कोई वैल्यू देनी है, मान लीजिए हमें लेफ्ट से 20 स्पेस देना है, 20 पिक्सल्स का स्पेस देना है, तो जब भी पोजीशन की बात आती है कैंडिडेट, तो यहाँ पर फोर डायरेक्शन चलती है, एक तो लेफ्ट होता है, एक टॉप होता है, एक राइट होता है, और एक जो है बॉटम होता है। तो यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट से 50 पिक्सल दूंगा तो आप क्या देखेंगे, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं टॉप से देता हूँ, टॉप से मैं 50 पिक्सल देता हूँ, और यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस इमेज को देखिए, रिफ्रेश हुई, बट ये अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हुई है। तो जो बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है स्टैटिक, और स्टैटिक प्रॉपर्टी को अगर आप हटा भी देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं पोजीशंस को हटा देता हूँ, ये देखिए, तो तब भी कोई भी इम्पैक्ट लेफ्ट साइड से नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड से नहीं पड़ेगा, ना ही टॉप से पड़ेगा, कुछ भी वर्क नहीं करेगा। बट इसके ऊपर मार्जिन वर्क कर सकता है, लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट इस पे वर्क कर सकता है। तो मार्जिन लेफ्ट को अप्लाई करके देखते हैं, तो मार्जिन लेफ्ट 25 पिक्सल्स, तो आप क्या देख पाएंगे कि मार्जिन लेफ्ट से ये इमेज मार्जिन लेफ्ट से 25 पिक्सल्स मूव हो गई है, यानी इसने जो अपना स्पेस है लेफ्ट साइड से 25 पिक्सल्स छोड़ दिया है। मान लीजिए मैं 50 पिक्सल्स अप्लाई करता हूँ, मैं 50 पिक्सल्स को छोड़ देगी, और अगर मैं मार्जिन टॉप अप्लाई करता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 50 पिक्सल्स करता हूँ, तो यहाँ पर आप क्या देख पाएंगे, जो टॉप है मार्जिन वो भी आपकी 50 पिक्सल्स को जो है इसने इसको छोड़ दिया है। अगर मैं 20 करता हूँ तो ये देखिए 20 पिक्सल्स जो है ऊपर से मार्जिन को इसने छोड़ दिया। तो जो स्टैटिक प्रॉपर्टी होती है, देखिए स्टैटिक जो प्रॉपर्टी होती है कैंडिडेट पोजीशन में, वो क्या करती है, एक तो उसके ऊपर जो पोजीशन की प्रॉपर्टीज है, जैसे लेफ्ट टॉप राइट एंड बॉटम, ये प्रॉपर्टीज वर्क नहीं करती। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होती है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी हम कोई इमेज या कोई ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो वो उसकी जो पोजिशनिंग होती है, जो पोजिशन होती है, वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो स्टैटिक होती है। अब देखिए, स्टैटिक प्रॉपर्टी, इसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, बस ये इमेज को ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट कर देती है, और इसको मूव कराने के लिए मार्जिन या पैडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो मार्जिन को सेट करता है। तो इसमें क्या क्या चीज हमको समझ में आई, तो पहली चीज है कि ये तो पहला है कि इसके अंदर कि स्टैटिक प्रॉपर्टी है और ये डिफॉल्ट होती है। ठीक है, ठीक है, सेकेंड है कि इसके अंदर कोई भी लेफ्ट, ठीक है, टॉप या फिर बॉटम और राइट की जो वैल्यूज हैं, उसकी जो वैल्यूज हम देते हैं वो प्रॉपर्टीज के अंदर अप्लाई नहीं होती है, और इसके अंदर कोई स्क्रॉलिंग बार नहीं आता। देखिए, जब हम इसको मूव करेंगे तो इमेज भी ऊपर चली जाएगी, तो नो स्क्रॉलिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो जब हम इसको मूव करेंगे, तो जैसे ही मूव करेंगे यानी स्क्रॉल करेंगे, तो कोई भी स्क्रॉल जो है ये इमेज उसके साथ जो है स्क्रॉल के साथ जो है मूव नहीं होती है। तो एक तो ये हो गया। अब हम इस प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करते हैं और इस प्रॉपर्टीज को कर देते हैं कमेंट। कमेंट के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश को जैसे आप यूज करेंगे तो कमेंट इसके अंदर अप्लाई हो जाता है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इससे हट गई हैं। ठीक है, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज के लिए कमेंट लिखते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, तो यहाँ पर होगी रिलेटिव पोजिशन प्रॉपर्टी। अब देखिए रिलेटिव में क्या होता है, IMG टैग का यूज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और यहाँ पर पोजीशन देंगे, और पोजीशंस के अंदर जो वैल्यू देंगे वो अब हम देंगे रिलेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेटिव है, ठीक है, रिलेटिव है। अब हम इस पर क्या करेंगे, लेफ्ट अप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल्स अप्लाई करेंगे, तो आप क्या देख पाएंगे, 50 पिक्सल लेफ्ट साइड से मूव हो गया। अगर हम इसको टॉप से अप्लाई करें, ठीक है, तो टॉप से अगर हम 60 पिक्सल्स करें तो 60 पिक्सल्स जो है वो हो गया। ठीक है, इसके अंदर 60 पिक्सल का स्पेस आ गया। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे ही मैंने इस इमेज को मूव किया, यानी इसकी पोजीशन तो मैंने रिलेटिव ली, और टॉप से मैंने जैसे ही इसको 60 किया, या फिर मैं इसको 80 करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो जो टैक्स है वो इमेज के बैकग्राउंड में जो है अप हो गया है, वो 80 पिक्सल्स उसके उसमें मूव हो गया। अब जो टॉप पोजिशन है उसी टैक्स की जो पोजिशन है, टैक्स यहाँ लिखा हुआ है, वो मूव हो गया। ठीक है,
तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज होती है रिलेटिव, इसके अंदर लेफ्ट भी काम करता है, टॉप भी काम करता है और भी चीजें इसके अंदर काम करती हैं, इसमें मार्जिन भी काम करता है और इसमें और भी सारी चीजें अप्लाई होती हैं। बट इसका यूज होता कहाँ पर है? देखिए अभी आप क्या देख पा रहे हैं कि मान लीजिए ये हमने टेक्स्ट को लिखा है और टेक्स्ट के ऊपर हमें इसकी जो हमारी इमेज है उसको लेके आना है। देखिए 180 करा तो आप क्या देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट इसके नीचे चला गया है और ये इमेज इसके ऊपर आ गई है। तो ये जब भी रिलेटिव आप पोजीशन को यूज करेंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं, लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी 50 पिक्सल हो गई है और टॉप से ये जो है टेक्स को कवर कर रहा है 180, 180 पिक्सल ये टेक्स ऊपर, टेक्स और टॉप के बीच में 180 पिक्सल का स्पेस आ गया है और इमेज हमारी 180 पिक्सल्स मूव हो गई है और वो कंटेंट पर आ गई है। ठीक है, तो यहां से हमको क्या पता चला कि एक तो रिलेटिव पोजीशंस में होता क्या है कि लेफ्ट और राइट या जो भी है टॉप, ये सब चीजें क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे। ठीक है, वर्किंग होगी इसके अंदर, नॉट वर्किंग होगी। देखिए ऊपर मैं लिखा नॉट वर्किंग, ये वर्किंग नहीं होगी। सेकंड जो थिंग है इसके अंदर, जब भी आप स्क्रॉल करेंगे तो इमेज भी इसके साथ मूव हो जाएगी, तो नो स्क्रॉलिंग फैसिलिटी आपको मिलेगी। ठीक है, विद इमेज। ठीक है, तो ये रिलेटिव हो गई है। अब हम इसको कर देते हैं कमेंट और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। नेक्स्ट जो कैंडिडेट, ठीक है, तो फिक्स अगर हम इसको कमेंट लिखें तो कमेंट, जैसे आपको मैंने बताया है कि कमेंट लिखने के लिए कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे। अब हम पोजीशन जो देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम पोजीशन देंगे कौन सी, फिक्स। अब फिक्स के लिए हम लिखेंगे सीएसएस। ठीक है, तो सीएसएस लिखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आईएमजी टैग का यूज कर रहे हैं तो आई टैग सिलेक्टर का यूज कर रहे हैं और पोजीशन को आप देंगे फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड आ गई। अब आप क्या देखेंगे, जैसे ही आपने इमेज की पोजीशन को फिक्स किया, टेक्स्ट तो उसके नीचे चला गया। ठीक है, सेकंड थिंग आप क्या देखेंगे, जब भी हम इसको मूव करेंगे, स्क्रॉल को मूव करेंगे, ठीक है, तो स्क्रॉल को जैसे ही आप मूव करेंगे यानी स्क्रॉल बार को आप जैसे ही अप या डाउन कर रहे हैं तो हमारी जो इमेज है उसकी पोजीशन फिक्स है। जब भी आपको इस तरह के कंटेंट करना होता है कि आपको कोई चीज को फिक्स रखना है, किसी इमेज को पूरी पूरी वेबसाइट के लेआउट में फिक्स आप करना चाहते हैं तो उसकी पोजीशन को रखेंगे फिक्स। और यहाँ पर आप अप्लाई भी कर सकते हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज दी जाती है, जैसे कि आप लेफ्ट से कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो लेफ्ट से मैं मानता हूँ 250 मैं पिक्सल्स को देना चाहता हूँ, टॉप से आप कितना देना चाहते हैं, टॉप से मैं 50 पिक्सल्स देना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी जो पोजीशन है, अगर किसी इमेज की या किसी ऑब्जेक्ट की आप पोजिशन को फिक्स करना चाहते हैं तो आप वहां पर पोजिशन में वैल्यूज देंगे फिक्स। और इसके अंदर फैसिलिटी क्या मिलेगी कि आपको जब भी आप स्क्रॉल करेंगे तो इमेज आपकी एज ए फिक्स रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो आपको मिला है स्क्रॉलिंग की फैसिलिटी जो आपको नहीं मिल रही थी ऊपर दो में, यानी आपको रिलेटिव में नहीं मिल रही थी, स्टेटिक में नहीं मिल रही थी, यहाँ पर स्क्रॉलिंग की फैसिलिटी मिल गई है कि जो इमेज है और फिक्स हो गई है आपकी इमेज। ठीक है, और जो भी पोजिशन के लिए प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, लेफ्ट राइट, ठीक है, बॉटम, ये भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने इसको देखा थर्ड को। अब हम इसको करते हैं कमेंट, ये हमने कर दिया कमेंट। और कमेंट करने के बाद जैसे आप कमेंट करेंगे ये अपनी ऑटोमेटिकली पोजीशन पर चला जाएगा। तो कैंडिडेट नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, जो पोजिशनिंग है उसकी एब्सोल्यूट की वैल्यू कैसे काम करती है, तो यहाँ पे पहले मैं कमेंट लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एब्सोल्यूट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पोजिशन, ठीक है, तो एब्सोल्यूट पोजिशन एग्जाम्पल के लिए अब हमको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अपने डेटा में। हम इसको कर देते हैं रिमूव, यानी जो हमने आईएमजी और ये जो डिव है कम्प्लीटली हम इसको हटा देते हैं। इसके लिए हम स्पेशली कुछ स्पेशली एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो देखिए सब कुछ बिल्कुल ब्लैंक हो गया है और इसके लिए हम सीएसएस को भी रिमूव कर देते हैं जो हमने सीएसएस ऊपर लिखी है। बट अब हम एब्सोल्यूट के लिए अब जो वर्क करना है वो करेंगे। जब भी आपको वीएस कोड में आप यूज कर रहे हैं तो आपको फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक टेक्स्ट चाहिए, तो ऑल्ट शिफ्ट और एफ को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट पोजिशनिंग की। तो एब्सोल्यूट पोजिशनिंग के लिए हम सबसे पहले जो बनाएंगे वो डिप बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक हेडिंग भी लिख लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, कि हेडिंग में हम लिखेंगे सीएसएस एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजिशनल
एग्जाम्पल, ये हमने लिख दिया है। और इस हेडिंग को हम स्टाइल में इनलाइन लिख लेंगे, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको ओल्ड भी जो है वो बताता रहता हूँ सीएसएस, जिससे कि आपको थोड़ा सा रिमेम्बर रहे। तो टेक्स्ट अलाइन आपने कर दिया सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिप बनाएंगे, डिप, और डिप की एक क्लास दे देंगे, क्योंकि हमें टू डिप्स बनानी है, उसको लिख देंगे कंटेनर, ठीक है। और इसको हम कर देंगे क्लोज, फर्स्ट डिप बन गई। इस डिप के अंदर अब हम बनाएंगे सेकेंड डिप, फॉर एग्जाम्पल डिप बॉक्स, क्लास दे देंगे इसकी बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स लिख दिया है और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। और जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है, ऑल शिफ्ट और एफ जैसे ही प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब क्या है कि देखिए, ये एक डिप है कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंटेनर डिप, और इसके अंदर लिख देता हूँ जो है ये है बॉक्स डिप, ठीक है। बॉक्स एब्सोल्यूट डिप मैं इसको लिख देता हूँ, ये हमने लिख दिया। अब हम इसकी थोड़ी सी सीएसएस अप्लाई करेंगे, जिससे कि जो हमने डिप बनाई है उसके उसको हम अच्छे से समझ सके। तो उससे पहले मैं सीएसएस को अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो अभी हम एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं कंटेनर, मैं क्लास का यूज कर रहा हूँ, तो डॉट लगाऊंगा और कंटेनर जो हमारी क्लास है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसकी जो है सीएसएस। तो सबसे पहले मैं इसकी विड्थ दूंगा, विड्थ में अप्लाई करता हूँ 300 पिक्सल्स, ठीक है। ठीक है, विड्थ को अप्लाई कर दिया है। सेकेंड में इसकी हाइट को अप्लाई कर देता हूँ 300 पिक्सल्स ही अप्लाई कर देता हूँ, तो अभी आप देखेंगे। इसके बाद फिर मैं इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर में येलो अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप येलो अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने इसमें येलो कलर को अप्लाई किया, तो आपने क्या देखा कि कैंडिडेट यहाँ पर हमारा एक डिप तैयार हो गया, ये हमारा डिप है, ठीक है। इसको हमने ये दे दिया। अब इसमें थोड़ा सा मार्जिन भी सेट कर देते हैं, मार्जिन सेट कर देते हैं 20 पिक्सल्स हम कर देते हैं। 20 पिक्सल्स का मतलब है कि चारों तरफ की जो मार्जिन है वो 20 पिक्सल्स हो जाएगी। और इस पर हम बॉर्डर भी थोड़ा अप्लाई कर देते हैं, तो बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं 3 पिक्सल, ठीक है। और सॉलिड रेड हम अप्लाई कर देते हैं, तो आप क्या देख पाएंगे, ये रेड आ गया, ओके। तो ये हमने जो फर्स्ट डिप बनाई थी उसके लिए हमने सीएसएस को लिख लिया है एज ए बॉक्स समझने के लिए। सेकेंड जो हमने जो डिप बनाई है उसके लिए अब सीएसएस लिखेंगे, तो क्योंकि नीचे की जो क्लास है वो है बॉक्स, तो बॉक्स क्लास का जब हम यूज करते हैं डॉट लगाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स, ठीक है। और ये हमने नोट डाउन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कैंडिडेट कि इसको भी वही चीज अप्लाई करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसकी विड्थ देंगे कितनी बनाना चाहिए, तो 100 पिक्सल्स की मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है। इसकी हाइट देंगे, ठीक है, तो हाइट भी हम दे देते हैं 100 पिक्सल्स। और देन इसका बैकग्राउंड अब हम कलर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर हम अप्लाई कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर में रेड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए डिव आ गया। अब इसका जो बॉर्डर है, ठीक है, तो बॉर्डर को अप्लाई कर देते हैं, बॉर्डर हम दे देते हैं 4 पिक्सल्स, ठीक है। और सॉलिड ब्लैक हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया है सेकेंड डिव, ठीक है। अब हमारे पास दो डिव आ गए हैं, इसमें जो दो डिप है, फर्स्ट डिप तो हमारा ये येलो वाला है, ठीक। सेकंड डिप है आपका ये बॉक्स वाला, ये जो आप देख पा रहे हैं बॉक्स वाला, इसके लिए हमने सीएसएस को अप्लाई कर दिया। अब हम क्योंकि एक प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, कैसे एब्सोल्यूट पोजीशनिंग अप्लाई होती है, तो देखिए एब्सोल्यूट जो पोजिशन होती है वो होती है अपने नियर, जो आपका जिससे के पास वो नियरेस्ट है, तो ये हो गया इसका चाइल्ड। यानी अगर आप येलो वाले डिप को एक पेरेंट समझें, तो जो रेड वाला डिप है वो क्या हो गया, एक चाइल्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। अब जो हमारा एब्सोल्यूट पोजीशनिंग होती है वो क्या करती है कि जब भी हम इसमें मार्जिन देंगे या फिर लेफ्ट राइट या टॉप पोजीशन कुछ भी देंगे, तो ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कैंडिडेट इस वाली जो पेरेंट है, पेरेंट का मतलब ये जो येलो वाली डिप है उसके अकॉर्डिंग ये सेट होगा, ठीक है, उसको अपना बेस पॉइंट मानेगा। अब देख लेते हैं, तो सबसे पहले जो बड़ा वाला कंटेनर है, जो येलो वाला कंटेनर है, उसकी हम पोजीशन देंगे रिलेटिव, वो देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप रिलेटिव देंगे तो ये इससे संबंधित हो जाएगा, इसका रिलेशनशिप इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाले को हम देंगे पोजिशन में एब्सोल्यूट, अब हमने एब्सोल्यूट दे दिया, ठीक है, दोनों की अपनी अपनी पोजिशनिंग होगी। अब क्योंकि हम एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी को देखने वाले,
एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, जो पोजीशन है उसकी जो वैल्यू एब्सोल्यूट उसको देख रहे हैं। तो जब हम इसको लेफ्ट देंगे, फॉर एग्जांपल लेफ्ट देते हैं, लेफ्ट हम देते हैं फॉर एग्जांपल 150 पिक्सल्स। ये देखिए, जैसे मैं 150 पिक्सल दूंगा तो आप क्या देख पा रहे हैं, जो ऊपर वाली कंटेनर है यानी येलो वाला, उसकी जो लेफ्ट की जो कम्प्लीटली वेट है वो कितनी है, 300 पिक्सल्स। और जैसे ही मैंने इसको दिया लेफ्ट से 150, तो ये जो सेकंड वाला रिलेटिव है, यानी ये जो रिलेटिव जिसको हमने बताया कि एब्सोल्यूट है, जो एब्सोल्यूट है सेकंड वाला बॉक्स वाला, ये जो है लेफ्ट साइड से इस कोने से जो येलो कलर का लेफ्ट साइड की जो बॉर्डर आ रहा है उससे ये अपने आप को काउंट करेगा। ठीक है, तो येलो जो बॉर्डर आ रहा है उससे काउंट करेगा, ना कि बिल्कुल ब्राउजर के कोने से। ठीक है, ये देखिए, इस जो येलो कलर का बॉर्डर आ रहा है लेफ्ट साइड का, उससे अपने आप को काउंट करेगा, क्योंकि ये इसको रिलेटिव मान रहा है। अगर मैं इसको टॉप पोजीशन देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ टॉप, तो टॉप में मैं देता हूँ 25 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे मैं इसको 25 दूंगा टॉप से ही आ जाएगा, और अगर मैं इसको देता हूँ 50 पिक्सल्स तो आप क्या देख पाएंगे, ये आ गया। तो ये टॉप ऊपर से नहीं मानेगा, ये मानेगा इसके बॉर्डर से, येलो वाले के बॉर्डर से। तो ये होता है कि आप एब्सोल्यूट और रिलेटिव्स का जो डिफरेंस होता है, और एब्सोल्यूट और रिलेटिव्स का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर हम काफी सारे डिप्स बनाते हैं उसका यूज करते हैं। आगे जैसे हम इसका बड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे, जैसे हम कोई वेबसाइट्स को डिजाइन करेंगे, उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, तो उसमें हम इसको चेक करेंगे। तो ये चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है। तो ये पेरेंट क्या हुआ इसमें, तो पेरेंट हुआ जो आप इसको पेरेंट डिप बोल सकते हैं, ठीक है, पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट डिप। और ये हो गया इसका चाइल्ड। जब इसकी पोजीशन इसके साथ सेट करनी होती है तो आपको क्या यूज करना होता है, एब्सोल्यूट पोजीशन का यूज करना होता है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट है, लास्ट की अगर हम बात करें, तो लास्ट जो है हमारा वो है स्टिकी। स्टिकी, तो स्टिकी को कैसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्टिकी को कैसे यूज कर सकते हैं ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि उसका एक अलग एग्जाम्पल होगा, तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये सेंसर जो हमने नोट डाउन किया इसको रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं स्टिकी। ठीक है, तो स्टिकी, स्टिकी पोजीशन को देख रहे हैं। तो उससे पहले क्या करेंगे कैंडिडेट, कि हमने जो एक हेडिंग लिखी है, ठीक है, और इस डिप के अंदर इस डिप को हटा देंगे। ठीक है, डिप को हम हटा देंगे, ये हटा दिया हमने डिप, यहाँ पर हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। ठीक है, पैराग्राफ लिख लेते हैं पी, और पी के अंदर हम एक कंटेंट, ये यहाँ पे हमने कंटेंट को नोट डाउन कर लिया है। अब इस कंटेंट की मल्टीपल कॉपीज को अप्लाई कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा बड़ा हो जाए, और इस ये जो हमने पी बनाया है इसको भी एक डिप में डाल देते हैं कम्प्लीटली। ठीक है, पी को, H1 को कम्प्लीटली एक डिप में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और डिप की एक क्लास दे देते हैं स्टिकी, और ये डिप को क्लोज करेंगे सबसे लास्ट में। ये हमने कर दिया, इतना काम हमने कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको CSS एट्रीब्यूट ना लिख के अबाउट कंप्यूटर लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल, और थोड़ा सा इसको भी डिजाइनिंग कर लेते हैं, जैसे इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका येलो इनलाइन CSS लिख लेते हैं। ठीक है, और इसका जो कलर है वो रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ हमने अप्लाई की है वो चीज़ यहाँ पर आ गई है, और एक फॉन्ट फैमिली भी लिख लेते हैं। ठीक है, फॉन्ट फैमिली में हम लिख देते हैं वरदाना, ये हो गया हमारा। ठीक है, आप इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं, ये हमने अबाउट कंप्यूटर के लिए एक पैराग्राफ लिख दिया। अब जैसे ही अब हम डिप को क्या करते हैं, जो हमने डिप लिखा है वो वहां पर आते हैं, ये हमने डिप बनाया है, डिप क्लास स्टिकी बनाई है, और इसका हम क्या करते हैं बॉर्डर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो स्टाइल लिखेंगे यहीं पर, इनलाइन सीएसएस हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉर्डर, और बॉर्डर में 3 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक हम इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं डिप का बॉर्डर आ गया। और इसकी जो है हम एक काम और करते हैं, यहाँ पर हम एक काम और कर देते हैं, यहाँ पर हम इसकी पैडिंग को अप्लाई कर देते हैं, हम इसके अंदर स्पेस बनाना चाहते हैं, तो पैडिंग हम बॉटम से लगभग 2000 पिक्सल्स का स्पेस देते हैं। वो हमने क्यों किया, क्योंकि हम इसमें एक स्क्रोल बार चाहते थे। अब देखिए, जैसे मैं स्क्रोल कर रहा हूँ ये कम्प्लीटली पेज ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये नीचे ऊपर चला जा रहा है, और नीचे वाला ब्लैंक आपको दिख रहा है। अब कैंडिडेट देखिए, यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा अबाउट कंप्यूटर है, जब हम इस स्क्रॉल बार को मूव करें
यानी हम नीचे की तरफ जब भी जाएं तो ये हमारा अबाउट कंप्यूटर यहाँ फिक्स हो जाए। तो इसके लिए पोजीशन में आती है स्टिकी पोजीशन। तो स्टिकी पोजीशंस का यूज कैसे करते हैं, तो स्टिकी पोजीशन को किस पे अप्लाई करना है, तो क्योंकि ये हमारा H1 है, तो H1 में क्योंकि हमें इसको अप्लाई करना है तो टैग सिलेक्टर में H1 का यूज करेंगे और कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस को करेंगे क्लोज। यहाँ पर एक पोजीशनिंग जो है पोजीशन देंगे, वो देंगे स्टिकी। स्टिकी देने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना होगा, ये बताना होगा कि ये जो H1 हेडिंग है उसको आप फिक्स कहाँ पे करना चाहते हैं। तो मैं इसको टॉप पर करना चाहता हूँ, टॉप से आपको इसकी मार्जिन को बताना होगा। मैं देता हूँ 0 और 0 पिक्सल्स में देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको देखिए मूव करूंगा, ये देखिए अबाउट कंप्यूटर जो है यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अबाउट कंप्यूटर जितना भी टेक्स्ट है उसके अंदर जब तक वो टेक्स्ट कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये रहेगा। अगर मैं इसके नीचे और टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर देता हूँ कम्प्लीटली इतना कर देता हूँ, फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए जब तक ये टेक्स्ट रहेगा तब तक ये अबाउट कंप्यूटर नोट अवेलेबल रहेगा। जैसे ये टेक्स्ट मूव होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी को अप्लाई किया था, वो प्रॉपर्टी थी यहाँ पर पैडिंग जो दी थी वो 2000 दी थी, अब हम अगर इसको दे दें 1000, ठीक है, तो ये हो जाएगा थोड़ा कम। तो यहाँ पर जब तक ये पैडिंग पर नहीं पहुंचेगा तब तक ये हटेगा नहीं, अदरवाइज ये यहीं पर फिक्स रहेगा। तो ये थी स्टिकी पोजीशन, और इसका यूज वहां पर किया जाता है वेबसाइट में जब आप इस तरीके की चीजें स्क्रॉलिंग में दिखाना चाहते हैं और हेडिंग्स को वहां पर जो है स्टक करके रोक कर वहां पर रखना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस वीडियो में पोजीशन प्रॉपर्टी को देखा। पोजीशन प्रॉपर्टी में हमने स्टेटिक बाय डिफॉल्ट वाली देखी, रिलेटिव देखी, फिक्स देखी, एब्सोल्यूट देखी, स्टिकी देखी। आई होप कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और दिए गए जो है व्हाट्सएप नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं यदि आप समर ट्रेनिंग, विंटर ट्रेनिंग या फिर आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करना चाहते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।